धर्म नगरी अशोक विहार में सुप्रतिष्ठित सामाजिक संस्था सुप्रभात सोशल क्लब सोसाइटी के तत्वाधान में अशोक विहार के अग्रसेन भवन में 25 से 31 अगस्त तक ज्योति आचार्य सुविख्यात वास्तुविद आचार्य श्री दुर्गेश तारे जी के सानिध्य में प्रसिद्ध कथा वाचक पंडित देवेंद्र शास्त्री जी के मुखारविंद से श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। प्रतिदिन सैकड़ों शिव भक्त कथा ज्ञान प्राप्त कर भगवान शिव का आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। हम मनुष्य हैं और भगवान की भक्ति करना हमारा स्वभाव होना चाहिए। जो भगवान की भक्ति कर रहा है मानो मनुष्य होने का प्रमाण दे रहा है कि वो मनुष्य है, बाकी तो सब लगे हुए हैं राम जाने। तो प्रतिदिन हमने भगवान शिव के विषय में जब संतादिक ऋषियों ने प्रश्न किए कि भगवान शिव की लिंग में पूजा और मूर्ति में पूजा दोनों में क्यों होती है, तो उस कथा को कल हमने श्रवण किया कि पहली पूजा ब्रह्मा जी ने की थी, भगवान विष्णु ने की थी, अग्निस्तंभ का प्रादुर्भाव हुआ और भगवान भोलेनाथ की कृपा से महाराज दोनों के दोनों जो देवता थे। श्री शिव महापुराण कथा के आयोजन में विशेष रूप से आमंत्रित कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के पदाधिकारियों का आचार्य श्री दुर्गेश तारे जी ने अंगवस्त्र पहनाकर स्वागत सत्कार किया। भगवान शंकर मोक्ष देने का कार्य महाराज ये पार्थिव शिवलिंग करता है। बंधुओं, यथा सर्वेषु देवेषु ज्येष्ठः श्रेष्ठः महेश्वरः एवं सर्वेषु लिंगेषु पार्थ। मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे बीच में हमारे बहुत सम्मानित, मेरे बहुत प्यारे अजीज, मेरे आदरणीय सम्मानित, हमारे नेशनल, हमारे सेक्रेटरी जनरल कैट के श्री प्रवीण खंडेलवाल जी मौजूद है, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो एक माला द्वारा श्री अजय भाई के गले सुशोभित करें और एक माला मैं आचार्य दुर्गेश जी को बोलूंगा कि वो भी आ जाए। शिव महापुराण कथा के आयोजन के अवसर पर सुविख्यात कथा वाचक अजय भाई ने सुप्रभात सोशल क्लब सोसाइटी के अध्यक्ष विपिन आहुजा एवं वजीरपुर विधानसभा के विधायक राजेश गुप्ता का उनकी धर्मपत्नियों को वरमाला पहनवाकर भगवान शिव व माता गौरी का विवाह करवाया। सुविख्यात कथा वाचक एवं भजन गायक अजय भाई ने धार्मिक एवं देशभक्ति से ओतप्रोत गीतों से उपस्थित सैकड़ों शिव भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। Thank you.
श्री शिव महापुराण कथा की संध्या पर शिव भक्तों ने हनुमान चालीसा का पाठ एवं भगवान श्री शिव शंकर की आरती कर उनका आशीर्वाद ग्रहण किया। रूप तिरकता त्रिभुवन नंदन